नमस्ते हिंदुस्तान, मैं नवीन मेहता। मैं अपने यूट्यूब चैनल पे आपका वेलकम करता हूँ। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट पे, पॉलिटिकल पॉइंट है, उसको डिस्कस करेंगे जो बिहार में घटित हुआ है। ये घटित हुआ है बिहार में नीतीश कुमार की जो मंत्रिमंडल है उसी में से एक कृषि मंत्री जो है सुधाकर सिंह, इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। और ये इस्तीफा जो दिया है उसी पे डिस्कस करेंगे कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है और ऐसा क्यों हुआ। वीडियो स्टार्ट करने के पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जुड़िए, और पॉलिटिकल एनालिसिस से रिलेटेड मैटर को आप सुनिए, और अच्छा लगे तो मेरे चैनल को बार बार वीडियो रहते हैं चैनल पर, उसको आप देखिए। जैसा कि मैं बताया कि बिहार के नीतीश कुमार सरकार के मंत्रिमंडल सुधाकर सिंह ने इस्तीफा दे दिया, और ये इस्तीफा तेजस्वी यादव को उन्होंने भेज दिया। इसका काउज जो है तब से उठा, यानी इसका कारण तब से उठा जब से उन्होंने शपथ ग्रहण किया नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल में। जैसा कि आपको मैं बताऊं कि नीतीश कुमार एक ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो अपने मंत्री का कुछ नहीं समझते हैं, उसका ऑफिसर जो है उसके मंत्री का कुछ नहीं समझता है, और जो है ना सब कुछ नीतीश कुमार के नाम पे और नीतीश कुमार के ही इशारे पर चलती है। केवल जो भी मंत्रिमंडल में भाग लेते हैं या मंत्री बनते हैं नीतीश कुमार का, वो केवल मुखौटा बन के रहते हैं, उनका कुछ चलता नहीं। वही काज हो रहा था, वही चल रहा था नीतीश कुमार जब नए मुख्यमंत्री के रूप में 16 अगस्त को उन्होंने लिया, 16 अगस्त 2022 को तेजस्वी यादव के साथ में, और तेजस्वी यादव के पार्टी से ही सुधाकर सिंह जो जगदानंद सिंह के पुत्र हैं, उन्होंने कृषि मंत्री के रूप में जो है उन्होंने मंत्री का पद ग्रहण किया। लेकिन जब से उन्होंने कृषि मंत्री का पद ग्रहण कर किया तब से वो डिबेट में आने लगे, और तब से वो जो है एक डिस्कशन पॉइंट पे आने लगे, और नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल का जब मीटिंग होता था तो वो एक अच्छे मंत्री के रूप में उन्होंने जो भी खामियां थी नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल के ड्यूरिंग पास्ट में, या बहुत जब से वो रहा नीतीश कुमार सीएम बने हुए हैं, तो कृषि मंत्री होते हुए कृषि मंत्रालय में जो भी प्रॉब्लम हो रहा था और जो कृषि मंत्रालय से जुड़े ऑफिसर्स हैं वो जो प्रॉब्लम कर रहे थे, जैसे किसानों का खाद का जो है इग्लोटी को रखे रखना, अधिक दामों पे बेचना, समय पे खाद नहीं देना, समय पे बीज नहीं देना, तो ये सब लेके वो जब मिनिस्टर नहीं बने थे उस समय में भी वो उठा दिया करते थे। लेकिन उनका स्टैंड चेंज नहीं हुआ, और जब ये मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के मंत्री बने कृषि मंत्री के रूप में, तो जो खामियां थे वो बार बार उजागर करते रहे। और यही उजागर करते हुए एक दिन ऐसा हुआ था कि नीतीश कुमार का जब मिनिस्ट्री का मीटिंग हो रहा था तो उसमें भी ये शायद बात उठाया, तो इनको नीतीश कुमार ने इशारा किया कि आप ऐसा क्यों बोलते हैं, आपको नहीं बोलना चाहिए, सरकार की छवि खराब होगी, या तो इन्होंने उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं किया और फिर मंत्रालय से बाहर निकल गए, और कैबिनेट का जो मीटिंग चल रहा था बिहार कैबिनेट का उससे भी बाहर चले, और फिर बाद में एक गोलमटोल बात होने लगी कि जो ना खुद काम उठा तो चले गए, या कुछ काउज एक्सक्यूज देने लगे, लेकिन इस एक्सक्यूज को समाप्त नहीं हो पाया। और ये जो है प्रेस मीडिया में जो है ये सुधाकर सिंह जी जो है ये बार बार अपना बात रखते थे और स्टैंड अपना रखते थे और बोलते थे कि ये हम हो सकता है कि कल मुख्यमंत्री नहीं रहे, मीन्स हम कृषि मंत्री कल नहीं रहे, हमको मुख्यमंत्री जो है वो हटा दे या मुझे इस्तीफा देना पड़े, ये सब काउज चलता रहता था। इसी का अभी रिजल्ट आया कि जो है नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल से उन्होंने इस्तीफा दे दिया और वो इस्तीफा तेजस्वी यादव को भेज दिया। अब ये डिपेंड करता है कि तेजस्वी यादव को वो इस्तीफा जो है एक्सेप्ट करके वो मंत्रालय में मीन्स सीएम के को भेजते हैं नहीं, और सीएम फिर राज्यपाल जो है उनको पास मीन्स राजभवन को भेजते हैं कि नहीं, क्योंकि फाइनल अप्रूवल तो होना राजभवन से है। लेकिन जो है जो भी प्रोसेस होगा, जो पॉलिटिकल प्रोसेस होता है, वो होता है कि जिस नेता के अंदर कोई नेता काम करता है तो उसे सीनियर नेता को भेजते हैं, और सीनियर नेता फिर सीएम को भेजते हैं, सीएम फिर जो है सचिवालय के अप्रूवल के बाद जो है वो राजभवन भेजते हैं।
तो अब ये देखना है, लेकिन ऐसा काज हो रहा है क्यों, ऐसा क्यों हो रहा है, नीतीश कुमार को ऐसा डिक्टेटरशिप मिनिस्ट्री क्यों चलाना पड़ता है और उसके ऑफिसर भी इतना डिक्टेटरशिप या क्यों रहते हैं, समझ नहीं आता है कि बिहार की जो डेवलपमेंट कैसे हो पाएगी, क्योंकि नीतीश कुमार के राज में जो है ना, नीतीश कुमार का ही सब आदमी सब सुनते हैं, ऑफिसर सुनते हैं, उनके मिनिस्टर का कुछ नहीं सुनते हैं, तो फिर मिनिस्टर के क्या जरूरत है उसके कैबिनेट में कि सारे मिनिस्ट्री का हेड बन जाना चाहिए नीतीश कुमार को और फिर अपना संभालना चाहिए। तो यही काउज है कि जो है सुधाकर सिंह ने अभी इस्तीफा दे दिया है और सुधाकर सिंह इस्तीफा देने के बाद अब देखते हैं आगे क्या होता है। तो इस वीडियो में इतना ही, अगर मेरा वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जिससे कि आप मेरे चैनल से जुड़ सके। थैंक यू। भारत माता की जय।